मेल की बॉडी, एक आदमी की बॉडी टेस्टोस्टेरोन को कम बनाती है, ज्यादा नहीं बनाती, जितना बनाना चाहिए उतना नहीं बनाती, तो वो फीमेल जैसा लगने लग जाए। तो 10 ऐसी टिप जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो सकता है, और इसके अलावा आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप यही हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हो, और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन की इंपॉर्टेंस क्या है आपके मसल ग्रोथ में, और फाइनली उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने टेस्टोस्टेरोन का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, तो ये बेसिकली होता क्या है उस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों की बॉडी बनाती है। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, फीमेल्स की बॉडी भी टेस्टोस्टेरोन बनाती है, बट जितना मेल्स की बॉडी बनाती है, फीमेल्स की बॉडी उसका खाली 10% बनाती है। और अगर मैं इस चीज को और ज्यादा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो एक ऐसा हार्मोन है जो एक आदमी को आदमी बनाता है और एक औरत को औरत बनाता है। अगर एक मेल की बॉडी, एक आदमी की बॉडी टेस्टोस्टेरोन को कम बनाती है, ज्यादा नहीं बनाती, जितना बनाना चाहिए उतना नहीं बनाती, तो वो फीमेल जैसा लगने लग जाएगा, उसको गाइनोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम हो जाएगी, मसल मास गेन करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, उसकी आवाज पतली होने लगेगी, उसका मूड बहुत ज्यादा खराब रहेगा, ऑफ रहेगा, उसकी सेक्स ड्राइव भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यही चीज अगर फीमेल के साथ होने लग जाए, फीमेल की बॉडी टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा ज्यादा बनाने लग जाए, तो उनके फेस पे बाल आने लग जाते हैं, उनकी आवाज बिल्कुल आदमी जैसी हो जाएगी, एकदम भारी हो जाएगी, मसल मास उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उनके हाथों पे नसें भी निकलने लग जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो बिल्कुल आपको आदमी बना देगा बेसिकली। अच्छा, मान लो एक मेल है और उसको बॉडी बनानी है, उसको मसल बिल्ड करना है, और उसकी बॉडी में ना टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो वो कैसे बॉडी बना लेगा? वो बना ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया ना, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मसल ग्रोथ में और आपको आदमी बनाने में बिल्कुल। अगर उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने लगेंगे, उसको गायनों की प्रॉब्लम हो सकती है, और मसल बिल्ड करना उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, जैसे फीमेल्स के लिए होता है। फीमेल्स के लिए मसल बिल्ड करना इतना हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता ही नहीं है। अगर उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हमारे जितना होने लग जाए ना, तो वो भी बॉडी बना लेंगे, समझ रहे हो आप इस चीज को? तो टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्ड में हेल्प कैसे करता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट इस वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे आप ऐसी क्या चीजें कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी ढंग से टेस्टोस्टेरोन को बना सके नेचुरली विदाउट यूजिंग एनी स्टीरॉइड, आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, हाई क्वालिटी स्लीप। यह आपने हर जगह सुना होगा और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी बतेरी स्टडीज है गूगल पे जो ये चीज प्रूव करती हैं कि अगर आप ढंग से नहीं सोते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में 30 से लेके 40% तक का ड्रॉप आ सकता है। जब आप सोओगे ना, तभी आपकी हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से हो पाएगी, आपकी बॉडी का एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे वो अच्छे से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बना सके। तो अगर आप 3-4 घंटे ही सोते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, पूरे दिन फोन में लगे रहते हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी ध्यान दो, अपनी स्लीप को ठीक करो। आप जितने मर्जी सप्लीमेंट ले लो, अश्वगंधा ले लो, तोंगा तली ले लो, जो मर्जी ले लो, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे से नहीं बन सकता। कोशिश करो रात को 7 से 8 घंटे की सोने की, मिनिमम आपको 7 घंटे सोना है, वो भी क्वालिटी स्लीप, यानी 7 घंटे बेड पे लेटे हुए हो, आपको आंखें बंद करके सोना है, आपको सपने आने चाहिए, आपको सुबह उठ के लगना चाहिए कि हाँ मैं सोया हूं, मैं बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील कर रहा हूं। और आप नाइट शिफ्ट करते हो जहां पे आप दिन में सोते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज को बंद कर दिया करो, कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दो, आराम से एसी चला लो, और अब तो ठंड भी आ गई है, आप आराम से रजाई ओढ़ के सो जाओ। आप चाहे दिन में सो रात को सो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको मिनिमम 7 घंटे हाई क्वालिटी स्लीप चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जहां पे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो पाए। टिप नंबर 2, ईट अ वेरी गुड बैलेंस डाइट। आपको एक बहुत ही अच्छी बैलेंस डाइट खानी है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट एक वो डाइट होती है जिसमें जो मैक्रोस की रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मतलब जितने आपको कार्ब्स खाने चाहिए उतने कार्ब्स होंगे, जितने फैट्स खाने चाहिए उतने फैट्स होंगे, और जितना आपको प्रोटीन खाने चाहिए उतना ही प्रोटीन होगा। ये नहीं कि आप इतना सारा प्रोटीन खा रहे हो फैट्स आप बिल्कुल नहीं खा रहे, या फिर आप फैट्स आप इतना ज्यादा खा रहे हो प्रोटीन आप बिल्कुल नहीं खा रहे, या फिर कार्ब्स आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक बहुत ही अच्छी बैलेंस डाइट खानी है और हेल्दी खानी है। कार्ब्स के लिए आप हेल्दी चीजें खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ओट्स खाओ, राइस खाओ, पोटैटोस खाओ। प्रोटीन के लिए आपको जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप वो खा सकते हो, फैट्स के लिए भी आप वो चीज़ें अवेलेबल हैं वो चीज़ें खा सकते हो, बट मैं मेनली जो बोल रहा हूँ आपको तीनों चीज़ें खानी है।
अब तीनों मैक्रोस पे ध्यान दो, कार्ब्स पे भी ध्यान दो, प्रोटीन पे भी ध्यान दो और फैट्स पे भी ध्यान दो। टिप नंबर 3, ईट वेरी गुड हाई क्वालिटी फैट्स। आपकी बॉडी में ना फैट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो डाइटरी फैट है, जो फैट आप डाइट से लेते हो, उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। आपकी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन है, चाहे वो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, थायरॉइड के T3 T4, वासोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, सारे के सारे हॉर्मोन फैट्स की हेल्प की वजह से ही बनते हैं। अगर आपकी बॉडी में फैट्स नहीं है, आप डाइटरी फैट नहीं लेते हो, फैट का इंटेक बहुत ज्यादा कम है, आपकी बॉडी में ये हॉर्मोन ढंग से नहीं बन सकते। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन अच्छे से हो, वो अच्छे से प्रोड्यूस हो सके, तो मेक श्योर आप बहुत ज्यादा हेल्दी फैट्स खाओ। अब हेल्दी फैट्स के लिए आप क्या खा सकते हो? आप वॉलनट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो जितने भी आते हैं, कैश्यू, आलमंड्स, पीनट बटर आप खा सकते हो, और कुकिंग के लिए मेक श्योर कि आप ऑलिव ऑयल को यूज करो। और आपके पास अगर पैसे हैं खर्च करने के लिए तो एक फिश ऑयल सप्लीमेंट ले लो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ओमेगा 3, ओमेगा 6, फ्लैक्स सीड ऑयल भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है यार, बट मेक श्योर कि आप हेल्दी फैट्स खाओ। बिना हेल्दी फैट्स के आप कुछ भी कर लो, कितने सप्लीमेंट ले लो, आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को नहीं प्रोड्यूस कर सकती। टिप नंबर 4, ईट जिंक एंड मैग्नीशियम रिच फूड इन योर डाइट। अब जिंक और मैग्नीशियम का ना बहुत ही बड़ा रोल है आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज ऑन गूगल विच प्रूव दैट जिंक एंड मैग्नीशियम आर वेरी हेल्पफुल इन योर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, जिंक और मैग्नीशियम को आप डाइट से नहीं ले सकते, जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतनी आप डाइट से नहीं ले पाओगे। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ेंगी। जो जिंक की रिक्वायरमेंट है आपकी वो है 30 mg/day, 30 mg/day, और जो मैग्नीशियम आपको खाना चाहिए हेल्थी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए, वो कम से कम आपको 400 से लेके 500 mg तक खाना चाहिए। अब इतना ना आप डाइट से नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक सप्लीमेंट ले सकते हो। मार्केट में ऐसे बहुत सप्लीमेंट आते हैं, जैसे एक ZMA नाम का सप्लीमेंट आता है जिसमें आपको जिंक भी मिल जाएगा, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, इसमें आपको विटामिन B6 भी मिल जाएगा। तो ये तीनों चीजें ना टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, बट मेक श्योर कि इसमें क्वांटिटी जो मैंने बताई है वो इतनी होनी चाहिए। उसमें जिंक कम से कम 30 mg, 30 mg हो, और मैग्नीशियम उसमें 500 mg या 400 mg मिनिमम हो। एक अच्छे ब्रांड का खरीदना, अच्छा सा खरीदना, पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता सा मत लेना, एक अच्छी कंपनी का खरीदो, आपको सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो भी प्रूव करती हैं कि जिंक और मैग्नीशियम आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। टिप नंबर 5, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन नीचे आ जाता है। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी और ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो एक्सरसाइज उतनी करो जितनी आपको करनी चाहिए, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कार्डियो भी नहीं करनी, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी, ज़्यादा किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लो, तो कुछ ऐसी लाइफ में टेंशन होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट कोशिश करो आप वो चीज़ें करो जिनसे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको बॉडी बनानी है, अगर आपको चिंता है अपने टेस्टोस्टेरोन की, तो मेक श्योर आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, ज़्यादा टेंशन ना लो। ज्यादा टेंशन लेने से, ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी पूरी बॉडी अंदर से खराब हो जाएगी, जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी बीच में आता ही आता है। और लॉट ऑफ स्टडीज आर देयर ऑन गूगल, आप जाके देख सकते हो जिन्होंने प्रूव किया है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, PhD होल्डर्स हैं, रिसर्चेस हैं, वो यही बोलते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। सो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, खुश रहा करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, गाने सुनो, मूवीज देखो, जो भी आपको करना पसंद है वो करो, पर स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस लोगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आ जाएगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। टिप नंबर 6, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। अब देखो, कुछ रिसर्चेस ऐसी हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि अगर आप विटामिन डी लोगे तो आपको जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाएगा, बट कुछ रिसर्चेस ऐसी हैं जो ये बोलती हैं कि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे ना बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ेगा, आपको लेना चाहिए, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता। और दूसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा समझने वाली है वो ये है कि खाली टेस्टोस्टेरोन के लिए विटामिन डी को मत लो। विटामिन डी के और भी अपने बहुत ज़्यादा रोल होते हैं, आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। तो आपके लिए विटामिन डी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टेस्टोस्टेरोन लेवल पे बहुत कम फर्क क्यों ना पड़े। तो यहां पे आपको कितना विटामिन डी लेना है, एटलीस्ट आपको डेली 5000 IU तक विटामिन डी लेना है। बिल्कुल सेफ है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हो तो। और मेक श्योर कि आप विटामिन डी की कोलेकॉल्सिफेरॉल फॉर्म लो। विटामिन डी की काफी सारी फॉर्म आती है, बट जो कोलेकॉल्सिफेरॉल फॉर्म होती है ना, वो बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। तो 5000 IU विटामिन D3 आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मेक श्योर कि आप इस चीज का एक अच्छा सा सप्लीमेंट जरूर लो।
टिप नंबर 7, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली वेट लिफ्टिंग, और उसमें भी स्पेशली लेग्स का वर्कआउट। जो लेग्स का वर्कआउट है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को 20% तक बढ़ा सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्चेस व्हिच प्रूव्स दैट इफ यू डू हैवी स्क्वाट्स, आप हैवी लेग प्रेस करते हो, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कार्डियो पे ना ज्यादा ध्यान मत दो, जितना ज्यादा आप कार्डियो करोगे उतना ज्यादा आपका कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ेगा। मैंने आपको बताया ना कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है, स्ट्रेस का हार्मोन होता है, जितनी ज्यादा स्ट्रेस होगी उतना ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा। तो कार्डियो आप मिनिमम करो, ज्यादा मत करो। वेट लिफ्टिंग पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और लेग्स के वर्कआउट पे और ज्यादा ध्यान देना है। तो लेग्स का वर्कआउट मिस मत करो, डू हैवी वेट लिफ्टिंग, डू हैवी स्क्वाट्स, कोशिश करो कि आप जितना वेट प्रॉपर उठा सकते हो बिना अपने आप को इंजर्ड किए उतना वेट आप उठाओ। बट एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए। टिप नंबर 8, डू नॉट मास्टरबेट। अब यहाँ पे डरो मत, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आपको मास्टरबेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार करते हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप पूरा पूरा दिन करते हो, दिन में 2 बार कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। अगर आप पूरा पूरा दिन पॉर्न देखते हो, आप कहीं और दिमाग नहीं लगाते, या आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी सारी चीज़ों को खत्म कर देगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपकी स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। दे आर लॉट ऑफ स्टडीज दैट प्रूव दैट अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हो दिन में 2 से 3 बार, आपकी बॉडी बिल्कुल अंदर से खराब हो सकती है। एक चीज का आपको नुकसान होगा, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होगी और बहुत ज्यादा गिल्ट भी फील होगा कि आप ही क्या कर रहे हो। तो मास्टरबेशन हफ्ते में 3 से 4 बार करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इससे ज्यादा करते हो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखो ज्यादा ना आपकी बॉडी के लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ज्यादा पानी भी लोगे वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली चीज है, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो भी आपको नुकसान होगा, ज्यादा आप प्रोटीन खा लेते हो तो भी आपको नुकसान होगा। तो एक्सेसिवली आपको कोई भी चीज नहीं करनी, कंट्रोल में करो, सेफ रहोगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टिप नंबर 9, सप्लीमेंटेशन। अब देखो कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं ना जो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में, जैसे कि अश्वगंधा, गोक्षुरा, शीलाजीत, हॉर्नी गॉट वीड। ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो इंडायरेक्टली हेल्प करते हैं। इंडायरेक्टली कैसे करते हैं, ये ना बेसिकली एडेप्टोजेंस होते हैं, तो आपके जो स्ट्रेस लेवल्स है उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। ये डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। स्टडीज जो होती है ना वो ज्यादातर ऐसी होती है, वो वहां कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप ये ले लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। बट स्ट्रेस को लेके ये चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं, स्पेशली जो अश्वगंधा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा काम करते हो, ट्राई अश्वगंधा। एटलीस्ट दिन में 1 से लेकर 1.5 ग्राम तक, 100 mg से लेकर 1500 mg तक आप अश्वगंधा को ऐड करो, यू विल सी रिजल्ट्स इन योर स्ट्रेस लेवल्स। तो जितना कम आपका स्ट्रेस लेवल होगा उतने ही अच्छे से आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है। तो इनडायरेक्टली ये सप्लीमेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप गोक्षुरा भी ट्राई कर सकते हो, आप हॉर्नी गॉट वीट भी ट्राई कर सकते हो, आप तोंगर टली भी ट्राई कर सकते हो, उस पे लेटेस्ट रिसर्च अभी चल रही है। बट मैं आपसे ये बोलूंगा अश्वगंधा इकलौता एक ऐसी चीज है, इकलौती ऐसी चीज है जो आपकी सच में हेल्प कर सकती है। तो मेक श्योर आप अश्वगंधा ऐड करो, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता है, बट कम से कम 1 ग्राम आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप टैबलेट फॉर्म में लो चाहे पाउडर फॉर्म में लो, डज नॉट मैटर। बट अश्वगंधा को ऐड करो, आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छे से प्रोड्यूस हो पाएगा। बाकी के सप्लीमेंट्स आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, फालतू पैसा वेस्ट मत किया करो। 4,000 के 5,000 के सप्लीमेंट्स आते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग वाले, जो क्लेम करते हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। जो टिप मैंने आपको बताई है ना, आप ढंग से सो लो, डाइट को फॉलो कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ये चीजें बहुत होती हैं। इसके अलावा आपको किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अश्वगंधा एक अच्छा सप्लीमेंट है स्ट्रेस लेवल के लिए, और किसी सप्लीमेंट की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। टिप नंबर 10, लूज बॉडी फैट। अगर आपका बॉडी फैट लेवल बहुत ज्यादा है, 20%, 25%, 30%, तो अपना बॉडी फैट लेवल कम करो, उसको 15%, 17% तक लेके आओ। क्योंकि जितना ज्यादा आपका बॉडी फैट लेवल होगा उतना ही कम आप पे मसल मास होगा, और जितना कम मसल मास होगा उतना ही कम आपका टेस्टोस्टेरोन होगा। तो ये चीजें ना डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छे से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो सके, बॉडी में ज्यादा फैट होने का कोई भी मतलब नहीं पड़ता। क्योंकि ज्यादा फैट होने का मतलब है आपका एस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ है। आपको पता है एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। अगर आप चाहते हो कि ढंग से रहे लूज बॉडी फैट लेवल, अगर आप 30% बॉडी फैट पे बैठे हो और आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग फूड्स ले रहे हो, हेल्दी फैट्स खा रहे हो कि मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप बॉडी फैट लेवल को लूज कर लो, उसको 15% 17% मतलब 20% से तो नीचे लाना ही लाना है आपको। उसके बाद आप सोचना कि मैं हेल्दी फैट्स को ऐड करूं, अश्वगंधा को ऐड करूं, या फिर मैं ढंग से सोना शुरू करूं, मास्टरबेशन में इतनी करूं, बाकी सारी चीजें कहीं तेल लेने। सबसे पहले अपने बॉडी फैट लेवल पे काम करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग चीज पे ध्यान ही नहीं देते। ये चीजें ना आपस में रिलेटेड है। मेक श्योर आपका बॉडी फैट लेवल कम आ जाए इफ यू वांट कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन वो अच्छे से हो सके। तो ये थी वो 10 ऐसी टिप जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो सकता है। और इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप यही 10 टिप फॉलो कर लोगे ना, आप लोगों के लिए बहुत है। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के बारे में तभी सोचो जब आपको पता हो कि वो लो है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी नॉर्मल लेवल पे चल रहा है तो उसको बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप उसी चीज को ठीक कर सकते हो ना जो ऑलरेडी खराब चल रही है, आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जो ऑलरेडी ठीक है। तो मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को देखा जो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को ठीक करने के चक्कर में लगे हैं, ये सप्लीमेंट ले लो वो सप्लीमेंट ले लो। अपना एक बार चेकअप तो करा लो कि क्या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सच में लो है या नहीं है। क्या पता वो ऑलरेडी ठीक चल रहा है और आप फालतू में ही इन चीजों के पीछे भाग रहे हो, सप्लीमेंट्स पे पैसा खर्च कर रहे हो और ये खरीद रहे हो वो खरीद रहे हो। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वो कम है या ज्यादा है? सिंपल सी बात है, एक ब्लड टेस्ट कराओ, टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराओ। ज्यादा महंगा नहीं होता, 500-600 रुपए का टेस्ट होता है। एक होता है टेस्टोस्टेरोन टोटल टेस्ट, एक होता है टेस्टोस्टेरोन फ्री टेस्ट। आपको खाली टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराना है, वो काफी है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब जो नॉर्मल रेंज होती है ना टेस्टोस्टेरोन की, वो होती है 300 से लेके 1000 नैनो डेसीलीटर। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 300, 250, 350 आता है, इसका मतलब वो लो है। आपको जरूरत है कि आप उसको हाई करो, उसको इंक्रीज करो। जो मैंने टिप बताई है उनको फॉलो करो, वो आराम से 500 के आसपास पहुंच जाएगा अगर आप ढंग से फॉलो करते हो तो। बट अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी 600 है, 700 है, 800 है, आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। फालतू में किसी चीज को ठीक करने के चक्कर में मत लगे रहो कि सब बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ, ये लो वो लो, तो मेरे को भी लेना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी को सच में उस चीज की जरूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले टेस्ट कराओ, अगर आपको जो रेंज है वो 550-600 आती है तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने टिप बताई है आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में तो टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी सही चल रहा है। तो आप ये मत सोचो कि मेरा ऑलरेडी 700 है और मैं ऐसी टिप फॉलो करके उनको 3000 ले जाऊंगा, 2000 ले जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नेचुरली आपकी बॉडी एक लेवल तक ही जा सकती है। आपको उसको 3000-2000 लेने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज करना पड़ेगा और उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप इस चीज को समझो, मैं बता रहा हूं, आप उसी चीज को ठीक करने की कोशिश करो जो ऑलरेडी बिगड़ी हुई है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल खराब है तभी आप उसको ठीक करने की कोशिश करो, और वो ऑलरेडी ठीक है तो आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल डाइट लो, जिम जाओ, मेहनत करो, आपकी बॉडी ढंग से बनेगी क्योंकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है। अगर खराब है तो बात अलग है, तो आप वो टिप फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है और आपको सच में रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, अब इसको कैसे ठीक कर सकते हो और आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है या ज्यादा है। अगर आपके टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन कम आता है तभी इन टिप्स को फॉलो करना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक आता है, जो मैं चाहता हूं कि ठीक आए, तो आपको किसी भी टिप की कोई जरूरत नहीं है, किसी सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये भीड़ में भागना बंद कर दो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट ले लेता हूं, मेरी बॉडी बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर कम है तभी तो उसको ठीक करोगे, अगर वो ऑलरेडी सही चल रहा है तो ये सप्लीमेंट किसी काम के नहीं है। आप समझ रहे हो, आप उस चोट की दवाई खरीद रहे हो जो आपको लगी ही नहीं है। अगर आपको चोट लगी है तभी आप दवाई खरीदना, इसका मतलब यह है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तभी उसको ठीक करने की कोशिश करो। अगर वो ऑलरेडी सही चल रहा है तो नॉर्मल डाइट लो, नॉर्मल वर्कआउट्स करो, आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नया वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि ऐसी और अच्छी एजुकेशनल लंबी लंबी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक ख्याल रखिए अपना, बाय।